दोस्तों मोबाइल में तो सभी लोग फेस लॉक लगाना जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी अपने फेस से लॉक लगा सकते हैं? मतलब कि भैया जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठेंगे वो सिर्फ आपके चेहरा देखने से ही खुलेगा और बंद होगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में फेस लॉक को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं किस तरीके से अपन लैपटॉप में फेस लॉक को लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोग भी लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फेस लॉक को इनेबल कर सकते हैं, मतलब कि फेस लॉक लगा सकते हैं। भैया मतलब ये है कि जब तक आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे तब तक आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी बंदा उसको ओपन नहीं कर पाएगा, ना ही आप कर पाएंगे। इसलिए जब अपनी शक्ल को आप लैपटॉप में दिखाएंगे, अपने कंप्यूटर में दिखाएंगे, तभी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन होगा। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से, ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर को पहले ओपन कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यह आपको सर्च करना होगा ये वाला नाम, देखिए की लेमन 3.2.3, ये सर्च कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए की लेमन लिखा हुआ है, आपको ये सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको लिखना होगा 3.2.3, ये लेटेस्ट वर्जन लिखिएगा। लिखने के बाद आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना होगा। चलिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप कोई भी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही डाउनलोड करें, जहाँ जो आपके सामने वेबसाइट आ रही है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको स्टार्ट डाउनलोड का यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड होने लगा है। तो यहाँ अपन दोस्तों कुछ मिनट वेट करेंगे जब तक कि डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपके लिए आगे प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ अपन कुछ सेकंड या कुछ मिनट वेट करेंगे दोस्तों। वो ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में डाउनलोड होता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी ये 25-26-27% हो चुका है समथिंग, मुझे लगता है यहाँ पर 1 मिनट और लगेगा। और काफ़ी यूजफुल ये सॉफ्टवेयर दोस्तों, इसके माध्यम से आप मतलब ये मान लीजिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की सिक्योरिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भाई पासवर्ड तो ऐसा है कि देख लीजिए, जैसे कि आपने किसी सामने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोला, उसने देख लिया तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर खोल लेगा, लेकिन क्या दोस्तों अब आपका फेस तो ला नहीं पाएगा वो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूजफुल है कि इससे अपने अपने लैपटॉप में लॉक लगाएंगे तो अपना भैया शक्ल देख के अपना लैपटॉप खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपल आपको कर लेना है इसको ओपन। चलिए बता दो कैसे ओपन करना है, चाहे तो पहले पूरा कंप्लीट ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा बचा हुआ है, ये देखिए हो चुका है। चाहे तो यहाँ पर सिंपल राइट एरो देखने को मिलता है, एरो ये वाला देख पाएंगे आप, इस जो एरो आपको देखने को मिल रहा है इस एरो पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे यहाँ आएगा शो इन फोल्डर, आपको शो इन फोल्डर पर क्लिक करना होगा। जब शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा आएगा, सिंपल इसको राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कर देना है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देख सकते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर देंगे कुछ सेकंड यहाँ वेट कीजिएगा, अभी ये लोडिंग ले रहा है और सीधा ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। चलिए थोड़ा वेट करते हैं अपन। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे डू यू वांट टू इंस्टॉल लिखा है, आपको एस पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दिया हो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर था, तो आपको एस पे क्लिक कर देना है और फिर आपको ओके पे क्लिक करना होगा लैंग्वेज सेलेक्ट करके, फिर आपके लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आप जिस भी डैब में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिस भी डैब में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो डैब में सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको सी डैब में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, सिंपल मैं आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ देखने को मिलती है, डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट आइकॉन, तो यहाँ अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो आइकॉन है आप देख पाएंगे, बताना चाहूँगा स्क्रीन पर शो नहीं होगा। अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका स्क्रीन पर इसका आइकॉन भी आ जाएगा एक छोटा सा। चलिए इसे ये देख पा रहे हैं आइकॉन बने हुए, तो पहले आप ना क्लिक मत कीजिएगा, इससे कि अपना स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अपन यहाँ पे सिंपल दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना होता है, अभी ये सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों थोड़ी देर और वेट करेंगे, ये अपने सॉफ्टवेयर का जो भी टाइम लगता है वो लगेगा यहाँ पे आपका 1 मिनट या 30 सेकेंड या 2 मिनट जो भी है टाइमिंग लेगा वहीं पर लेगा। तो ये पूरा हो जाने दीजिए तो आप देख पाएंगे समथिंग अभी दोस्तों होने ही वाला है, समथिंग में लगता है 80% ही कम्प्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा चुका है रन, तो इस पर आप क्लिक हटा देंगे तो
आप इसको फिनिश कर देंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अगर इसको ओपन करना है तो मान लीजिए आप क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। चलिए अपन डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, मैं आप इस ब्राइट ओपन नहीं करूँगा बंद कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिए आपने जो डेस्कटॉप पे आइकॉन देखेंगे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, इस पर लिखा की लेमन कंट्रोल सेंटर लिखा है, इसका तो लिखा हुआ ले सकते हैं, आप पूरा नाम लिखा नहीं दिख रहा मेरे लिए। सिंपल आपको इसको क्लिक करना होगा, राइट क्लिक कीजिएगा, इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा या डबल क्लिक करके भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ कई सारे आपके सामने ऑप्शन आते हैं, सिंपल आपको ये देख सकते हैं लिखा हुआ फेस या लिखा है सेटअप नाउ, आपको सेटअप पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अब आपको सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फेस प्रोफाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको अपना चेहरे को ऐसा ऐसा घुमाना होगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये देखिए घुमाइए ऐसे घुमाने के बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा आप देख सकते हैं ये वाला, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है क्रिएट ए न्यू फेस मॉडल, आपको क्लिक करिएगा। आप दोस्तों अपनी शक्ल को पूरा घुमाते रहिएगा अच्छे से, तो पूरा लोडिंग दे रहा आगे पीछे होगा, इससे अच्छे से कैच कर ले अपनी शक्ल को कि पास आके भाई अभी देख सकते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये पूरा ये देखिए ये ऐसा घुमाइएगा तो चल रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से घुमाइए, ये देखिए चेहरे को यहाँ पे आइए, ये देखिए हो चुका कम्प्लीट। आप कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, आप देख सकते हैं आपके जो फेस का जो मॉडल था उसने कैच कर लिया है, हर एक पिक्चर सेव कर ली है अपनी मेमोरी में। आप सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके लैपटॉप में पहले से पासवर्ड लगा हुआ है या तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना डाल सकते हैं। तो जो है मेरे लैपटॉप में पहले से एक पासवर्ड लगा हुआ है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए अगर आपके ध्यान दीजिएगा अगर आपके लैपटॉप में कोई भी पासवर्ड पहले से लगा हुआ है तो आपको कोई पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना। अगर नहीं लगा तो सिंपल आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसलिए जैसे मान लीजिए कि आप में से कुछ अर्जेंट काम है आपके लिए और आपका भाई बहन आपके लैपटॉप को खोलना चाह रहे हैं और आपको कुछ काम करवाना लैपटॉप पे और आप उस कंडीशन में लैपटॉप के पास नहीं है तो आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं सपोर्ट के लिए। अगर उनको पासवर्ड बताएंगे तो पासवर्ड से भी खोल सकते हैं, नहीं तो आप फेस लॉक से खोल ही सकते हैं, ठीक है। तो अपन पासवर्ड डाल देते हैं, अगर आपके पास आपके लैपटॉप में पहले से कोई पासवर्ड नहीं लगा है तो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा और अगर पहले से कोई पासवर्ड लगा है तो आपको कोई वाला पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। चलिए मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया पासवर्ड। अब सिंपल आपको कुछ कुछ नहीं करना, आपको फिनिश वाला ऑप्शन देखने को मिलता नहीं, नीचे वाले लिखा हुआ फिनिश, आपको फिनिश पे क्लिक करना, देखिए फिनिश पे क्लिक कर देंगे, सिंपल कुछ मत करिए। इतना करने के बाद आपको इसको अप्लाई वो ऑटोमेटिक हो गया है, अब इसको आप क्विट कर दीजिएगा। क्विट करने के बाद सिंपल उसको कुछ भी नहीं करना होता, आपको अपने लैपटॉप को एक बार बंद करके चालू करना होगा। चलिए अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन से आपको दिखाता हूँ लैपटॉप बंद करके फिर चालू करके कैसा आपको देखने को मिलता है, कैसे ये खुलता है। दोस्तों ध्यान लीजिए मैं लैपटॉप को बंद कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, इसको रीस्टार्ट करूँगा यहाँ से, देखिएगा उसके बाद देखेंगे अपना लैपटॉप अपने फेस से खुलता है या नहीं खुलता, आप देख पाएंगे अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बैठा हूँ, आप देखिए और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ लैपटॉप में, अभी ऑटोमेटिक मेरा लैपटॉप चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ सेकंड वेट करते हैं अपन, अभी देखिएगा आप, ये देखिए मेरा कीबोर्ड माउस, मैं माउस को भी यहाँ पर रख देता हूँ, देख सकते हैं आप, ये रखती है मैं साइड में, और देखिए बस थोड़ा सा मुझे कैमरे को साइड में रखना होगा क्योंकि मेरी शक्ल नहीं दिखा पाएगी। देखिए अभी लैपटॉप चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरा फेस आ चुका है, देखिए ऑटोमेटिक इसने मेरे लॉक को खोल दिया, देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैमरा चालू हुआ था और ऑटोमेटिक मेरा लॉक खुल चुका है। इस तरीके से भाई अपने लैपटॉप में आप फेस लॉक लगा के उसको इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख गए होंगे किस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में फेस लॉक को लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।